हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम जो माउथ ऑर्गन प्लेयर्स, हारमोनिका प्लेयर्स फेस करते हैं, खासकर जो बिगनर्स हैं, वह यह है कि उनका कहना है कि जब वो माउथ ऑर्गन बजाते हैं या हारमोनिका बजाते हैं तो जो ब्रीदिंग कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है, उनकी सांसें फूलने लगती है और गाना वो ठीक तरह से बजा नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय हो जिससे थोड़ा सा ब्रीदिंग कंट्रोल हो सके और जो सांसें हैं वो फूले नहीं और वो अच्छी तरह से बजा सकें। और कभी कभी वो कहते हैं कि जब 3 बार खींचना पड़ता है, 3 बार ड्रॉ करना पड़ता है लगातार, तो वह ये नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सांसें फूलने लगती है और जो कंट्रोल है ब्रीदिंग का वो नहीं हो पाता। तो इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, आप बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि आपको बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये जो माउथ ऑर्गन है आपके माशूका की तरह है, आपके लवर की तरह है। तो इससे बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत ही सॉफ्टली पेश आना है। ये माउथ ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, तो इसमें आपको कसरत नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्ट आपको ब्लो करना है, बहुत ही सॉफ्ट आपको ड्रॉ करना है। बहुत जो बिगनर्स मैंने देखा है, बस जान लगा देते हैं, इतना बस कसरत करते रहते हैं। वो कसरत आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है कि माउथ ऑर्गन इज़ योर लवर एंड देयरफॉर यू हैव टू प्ले इट वेरी सॉफ्टली। आपको बहुत ही सेंसिटिव वे में, सॉफ्टली और बहुत प्यार से आपको इसे इस्तेमाल करना है और आपको पेश आना है इससे, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप जो बेसिक लेसन्स हैं, अगर वो सब नहीं ट्राई करके, पहले वो सब नहीं फॉलो करके, वो सब नहीं प्रैक्टिस करके डायरेक्टली अगर आप गाना बजाना चाहेंगे तो ये दिक्कतें आएगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि पहले जो बेसिक लेसन्स हैं, बेसिक लेसन्स जो हैं उसे पहले आप कर लीजिए। 3 ऑक्टेव में जो सरगम है वो सीख लीजिए। फिर जो अलंकार्स होते हैं, अलंकार्स जो मैंने दिए हुए हैं अपने लेसन्स में, न्यू सीरीज मैंने दिया है लेसन्स, उसमें मैंने दिया हुआ है अलंकार्स, वो सब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका जो ब्रीदिंग कंट्रोल वो होता है, वो एक्सरसाइज होता है, ठीक है? और ये जब आप कर लेंगे तब आपको, जब गाना बजाएंगे तब आपकी सांसें फूलेगी नहीं, एक रिदम आपका बन जाएगा। तो ये जो बेसिक लेसन्स मैंने दिए हैं, अलंकार दिए हैं, उससे क्या होता है, आपका जो रिदम है वो रिदम लाने के लिए, ठीक है? म्यूज़िक का जो रिदम होता है, अगर रिदम नहीं आएगा तब आपकी सांस फूलेगी। आप वो 3 बार जो कह रहे हैं, 3 बार खींचते हैं तो नहीं हो पाती है, लगातार 3-4 बार जब खींचना पड़ता है तब नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपका वो रिदम नहीं आया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ब्लो करते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ब्लो कर देते हैं, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप हो सकता है ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए, और वो जब होगा तो आपका वही होगा, प्रॉब्लम होगा, आपकी सांसें फूलने लगेगी, आप गाने को ठीक से नहीं बजा पाएंगे, ठीक है? तो इसीलिए देखिए, बहुत जो माउथ ऑर्गन प्लेयर्स आपने देखा होगा बजाते वक्त इस तरह से बस फ्लो करते या डांस करते रहते हैं, ठीक है? वो खो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो गाने में एकदम खो जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, इसे बहुत आपको प्यार से पेश आना है, ठीक है? बहुत माउथ ऑर्गन प्लेयर आपको देखेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से एकदम खो जाते हैं, ठीक है? तो वो रिदम लाने की कोशिश करते हैं, वो फील लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जब बजाएं तो फ्लो उनको मिले और वह जो रिदम है वो उनको मिले, ठीक है? तो ये मेन चीज़ है। पहला, आपको ज़्यादा ज़ोर से ब्लो नहीं करना है, ज़्यादा ज़ोर से ड्रॉ नहीं करना है, बहुत ही एकदम सॉफ्टली, प्यार से, एक रिदम से, ठीक है? ये जब करेंगे तो आपकी सांसें उतनी नहीं फूलेगी। और सेकंड है, आपको अलंकार जो हैं, जो बेसिक लेसन्स हैं, वो पहले आपको कम से कम 10-15 दिन प्रैक्टिस करना चाहिए फ्रेंड्स। तब जब आपका वो रिदम कंट्रोल हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपका देखेंगे आप एक रिदम में बजा पा रहे हैं, आपकी सांसें नहीं फूलेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी तरह का कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली वो योगा करते हैं, ये सब करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करने से भी चलेगा। इसके लिए बस ये 2 चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सांसें नहीं फूल रही है और आप बहुत अच्छी तरह से बजा पाएंगे, ठीक है? तो इतना ही बताना था, आप इसे फॉलो कीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो अगले वीडियो में, बाय बाय।